गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका ग्रामर का लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 4 प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन के सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन दूंगी, आप लोग डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और मैं आपको लिखवाऊंगी भी डेफिनेशन, आप अपनी जो ग्रामर की नोटबुक है आप उसमें लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है, या फिर आप बुक में कहीं पर भी लिख लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब अगर हम कर रहे हैं प्रोनाउन, तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको देती हूँ। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो प्रोनाउन है एक ऐसा वर्ड है यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो है हमारा प्रोनाउन। और प्रोनाउन का यूज़ हम नाउन की जो रिपीटेशन है, नाउन क्या है कि नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, ठीक है। किसी भी नाउन में अगर किसी भी पर्सन का नाम बार बार आ रहा है, किसी प्लेस का, एनिमल का, तो उस नाउन की रिपीटेशन के लिए, उस नाम की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ जी, जैसे अगर किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, राम कैन प्ले म्यूज़िक, राम कैन सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, राम इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो बार बार मैंने 4 से 5 लाइनें बोली और हर बार मैंने राम राम को ही रिपीट किया, ठीक है। तो हम इस नाम के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और जो प्रोनाउन है, ठीक है, वो जो जेंडर है, नंबर है और वर्ब, इसके अकॉर्डिंग एग्री करता है, ठीक है। जो प्रोनाउन है, अगर राम है तो लड़का है तो हम इसके लिए ही यूज़ करेंगे, अगर किसी लड़की का नाम आया है तो हम लोग शी यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। अब है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अ प्रोनाउन इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग और समवन दैट यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अर्लियर। जो प्रोनाउन है एक ऐसा हम उसके बारे में बात करते हैं जो हम ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसके आगे 3 पॉइंट्स है बेटा। इट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। जो प्रोनाउन है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक नाउन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे हमने राम को, तो राम को हटा के हमने क्या यूज़ किया, ही, तो वहाँ पर हमने नाउन को रिप्लेस कर दिया ही से। इट प्लेज़ द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जो प्रोनाउन है वो किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। जैसे राम को हटा के हमने ही किया, तो प्रोनाउन यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स डायरेक्ट हमें पता चल रहा है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इट एग्रीज विद द वर्ब इन जेंडर एंड नंबर। जो हमारा प्रोनाउन है, जो सेंटेंस में वर्ब आते हैं, जेंडर होते हैं, नंबर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एग्री करता है, मीन्स उसके अकॉर्डिंग ही आता है। अगर एक सिंगुलर नाउन है तो हम ही का यूज़ करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन चलेगा। अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, राम, राम के लिए हमने ही, लेकिन सपोज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 बॉयज़, ठीक है, अगर मैं 2 लड़कों के बारे में और 2 गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ, राम एंड रोहन, ठीक है, सिया एंड रिया, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 गर्ल्स, तो हम वी कैन नॉट यूज़ सिंगुलर प्रोनाउन, हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल का, दे, ठीक है। और इफ़ आई एम सेइंग आई एंड माई ब्रदर गोइंग टू मार्केट, आई एंड माई ब्रदर और आई एंड माई फ्रेंड, ठीक है, आर गोइंग टू स्कूल, मैं और मेरे जो भाई हैं वो स्कूल जा रहे हैं या फिर बाजार जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 persons हेयर, मैं यहाँ पर 2 persons के बारे में बात करेंगे, तो वी कैन यूज़ हेयर ऑल्सो प्लूरल प्रोनाउन, मैं यहाँ पर भी प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करूँगी, एंड आई एम यूजिंग वी हेयर, मैं यहाँ पर वी का यूज़ करूँगी। तो हर एक प्रोनाउन को यूज़ करने का बेटा एक अलग तरीका है, ठीक है, आप उसको समझेंगे और तभी आप किसी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो ये अब है आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, यस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जो आपके प्रोनाउन है बेटा, आपकी बुक में 6 टाइप्स के प्रोनाउन दिए गए हैं, तो 3 हम आज करेंगे, 3 हम कल करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, सबसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है बेटा,
इसमें तीन पर्सन होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें तीन पर्सन होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट। ठीक है, अब जो पर्सनल प्रोनाउन है दैट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर किसी भी सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया राम, राम के लिए मैंने ही का यूज़ किया, तो वो क्या बन गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन, या फिर यू कैन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, वो बन गया हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल मैंने देखो लिख भी रखा है, अगर आपको दिखाई दे तो, सब्जेक्ट प्रोनाउन के ऊपर मैंने लिख रखा है आई एम अ टीचर। ठीक है, तो सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो कौन से होंगे, आई वी ही दे। ठीक है, आई वी ही दे, ये क्या है हमारे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब मैंने लिखा आई एम ए टीचर, यहाँ पर जो आई है वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सो दैट मीन्स ये क्या है, आई क्या है, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब सेकंड में देखो, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मैंने इसके ऊपर लिखा है दे हेल्प अस, और दे दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो यहाँ पर देखो मैंने अस और माइन दोनों को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो देखो मी हिम देम हर, दीज आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर जो अस है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है अस, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना, अस एंड माइन जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं उसमें देखो दोनों ही को, अस और माइन दोनों ही ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दे आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो क्या है हमारे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है दैट मीन्स कि वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अगर इफ़ वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद है आपको ये बुक में एक टेबल दी गई है, इसमें आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आपको सारा दिया गया है, कि अगर सब्जेक्ट है आई, अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी। जब आप नरेशन करेंगे तब आपको इस टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको ये पूरी की पूरी टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही आते हैं, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, वी का अस, यू का यू। ठीक है, तो आपको ये टेबल दी गई है, इसमें आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही दिए गए हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, अब है आपकी इसमें एक्सरसाइज दी गई है, वो आपने खुद करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपको दिया गया है, फर्स्ट वन है इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग मेड बाय हर, इट क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को आपने इसमें अंडरलाइन करना है और ऑब्जेक्ट को आपने सर्कल करना है। सेकंड वन है द बेबी इज क्राइंग ही नीड्स टू बी टेकन टू द डॉक्टर, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ही है, यानी कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आप ही को क्या करेंगे, अंडरलाइन, जो आपको सब्जेक्ट है, ठीक है, आप जो सब्जेक्ट है आप उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन है आप उसको अंडरलाइन करेंगे, और जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, देखो आपको टेबल भी दी गई है, आप इसकी हेल्प से आप इस जो पेज नंबर 25 की जो एक्सरसाइज है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका सेकंड वन है बेटा पजेसिव प्रोनाउन। जो पजेसिव प्रोनाउन है एक तरीके से पजेशन शो करता है, जो पजेसिव प्रोनाउन है वो पजेशन यानी कि किसी भी चीज़ पर अधिकार शो करता है। ठीक है, और जो पजेसिव प्रोनाउन है बेटा डू नॉट यूज़ बिफोर नाउन, नाउन से पहले कभी भी हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर भी नाउन आ रहा है, ठीक है, अगर कहीं पर भी नाउन का यूज़ हो रहा है तो हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं हो रहेंगे। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, आवर आर्स, ध्यान से सुनो, आर्स कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे, तो मैंने देखो आर्स, ओ यू आर एस, आवर्स का मैंने यूज़ किया, आवर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आवर कॉलेज, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आवर कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे। ठीक है, तो किसी भी नाउन के साथ हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। देखो यहाँ पर भी एक आपको दिखाई दे रही होगी, एक टेबल दी गई है, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पजेसिव प्रोनाउन दिए गए हैं, फर्स्ट पर्सन,
ठीक है। सेकंड देखो, पजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, हर्स, इट्स, हिज, हर्स, देयर्स, आर्स, योर्स, ठीक है। तो आपको पजेसिव प्रोनाउन की एक टेबल दी गई है, आपने ये टेबल और जो पीछे वाली टेबल है आपने दोनों को लर्न करना है, ठीक है। और जब आपको ये माइंड में फिट हो जाएंगे ना, तो आप इजीली इसकी एक्सरसाइज से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव है, या फिर ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन की जो किसी चीज़ के ऊपर पजेशन दिखाए, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको, मैंने पीछे एग्जाम्पल लिया, दिस बुक इज़ माइन, माइन मीन्स ये बुक मेरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस बुक के ऊपर पजेशन शो हुआ कि अधिकार आया उस बुक के ऊपर, ठीक है, कि ये मेरी बुक है। जैसे मैंने बोला दिस कार इज आर्स, जो ये कार है ये हमारी है। मैंने देखो ध्यान से बोला दिस कार इज आर्स, आवर्स, यानी कि ये जो बुक है, सॉरी जो कार है ये हमारी है। देखो मैंने कार, कार के बाद इज का यूज़ आया है, देन मैंने पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया है, मैंने कार के साथ, नाउन के साथ मैंने पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पजेसिव प्रोनाउन है वो किसी भी चीज़ के ऊपर आपका पजेशन शो करता है। इसके बाद है आपका थर्ड वन बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बेटा, इसमें चार वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये होता है आपका दिस, दैट, दीज, दोज। और जो ये जो प्रोनाउन है, जो व्यक्तियों और वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव है ये किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है, दिस, दैट, दीज, दोज। तो हम इसीलिए करते हैं ना, हमने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, दिस जो हमारे पास है, कोई भी चीज़ हमारे पास है, जैसे मैंने बोला दिस इज़ अ पेंसिल, ठीक है, तो ये पेंसिल मेरे पास है, अगर वो मेरे से दूर है, दैट इज़ अ पेंसिल, वो मुझसे यानी कि थोड़ी सी दूर, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, दोज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीज एक सिंगुलर चीज़ के लिए करेंगे, सॉरी दीज का, और दोज हम, सॉरी प्लूरल ही यूज़ करेंगे, दीज दोज को प्लूरल थिंग्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिस, दैट, दीज, दोज दोनों का ही आपको पता होने चाहिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। इसके अलावा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, समटाइम्स सच, देखो ध्यान से सुनो, सच, नन, नीदर, जो ये तीन वर्ड्स हैं, चार वर्ड तो मैंने आपको बताया, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। और इसके अलावा सच, नन, नीदर, दे आर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, दे आर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि पॉइंट आउट, टू पॉइंट आउट, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दिस और दीज का यूज़ हम किस लिए करेंगे, दिस का जो हमारे पास की चीज़ है उसके लिए, दीज, दीज भी आप एक तरीके से, दिस तो हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे, सिंगुलर थिंग के लिए, और दीज है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, यानी कि हम प्लूरल वे में हम इसका यूज़ करेंगे, लेकिन जो हमारे पास की चीज़ है, जो हमारे क्लोज़ है, हमारे नियर, ठीक है। तो दिस और दीज दोनों ही क्लोज़ की चीज़ों के लिए यूज़ होगा, लेकिन दिस फॉर सिंगुलर एंड दीज फॉर प्लूरल, ठीक है। इसी तरीके से हम दैट का यूज़ करेंगे, दैट और दोज का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो दैट है हम दूर के लिए यूज़ करेंगे, और दोज का भी हम लोग दूर, लेकिन प्लूरल फॉर्म में, लेकिन प्लूरल फॉर्म में हम दोज का यूज़ करेंगे, जैसे कि दैट इज़ अ बुक, ये एक बुक है, ठीक है, दोज आर बुक्स, वो बुक्स हैं, ठीक है। तो हम प्लूरल फॉर्म में दैट का यूज़ हम सिंगुलर फॉर्म में, और दोज का यूज़ हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो वर्ड्स हैं सच, नन, नीदर, इन वर्ड्स का भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कभी कभी यूज़ करते हैं। तो आपको ये सारे जितने भी हमने तीन प्रोनाउन हैं, जितने इनमें वर्ड्स दिए गए हैं, आपको अच्छे से लर्न करने हैं, समझने हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने इसकी एक्सरसाइज को फिल करना है,